नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हार्दिक पांड्या, जी हां, वही हार्दिक पांड्या जिसकी चर्चा टीम इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पहला वनडे मैच खेलने के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो उस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। हार्दिक पांड्या पहली बार वनडे में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या के कंधों पर वनडे की कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि पहले मैच में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। लेकिन इस पहले मैच के लिए हार्दिक पांड्या ने एक अलग से तैयारी की है। हार्दिक पांड्या ने एक अलग से बल्ला बनवाया है ताकि उस बल्ले की मदद से वो मैदान पर कोहराम मचा सके, तूफान मचा सके और अपनी कप्तानी में वो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिता सके। जी हां, इस वक्त पहले वनडे मुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या एसजी कंपनी के ऑफिस में गए। एसजी कंपनी जहां जो बल्ले बनाती है, बड़े बड़े बल्ले बनाती है, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स एसजी के बल्लों से खेलते हैं। हार्दिक पांड्या और उनके भाई एसजी के ऑफिस में गए, वहां पर उन्होंने नए नए बल्लों को देखा, उनको तराशा, उनको उनकी काबिलियत को देखा और उसके बाद में वो हार्दिक पांड्या अब नया बल्ला बनवाया है हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफान मचाने के लिए। उस नए बल्ले से प्रैक्टिस करते हुए हार्दिक और उनके भाई दोनों नजर आ रहे हैं, उस बल्ले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेलने से पहले हार्दिक पांड्या नए बल्ले के साथ मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे और उस बल्ले से मैदान पर कोहराम मचाएंगे। वैसे आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की चर्चा उनके खेल के साथ साथ उनकी कप्तानी को लेकर भी होती है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जो अपनी कप्तानी में 3 T20 सीरीज खेली है वो सारी T20 सीरीज जिताई है। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जिस खिलाड़ी ने गुजरात को चैंपियन बनाया पहली बार में ही, टीम इंडिया को लगातार जिता रहा है, वो खिलाड़ी वनडे में भी कमाल कर सकता है अपनी कप्तानी से और टीम इंडिया को T20 विश्व कप जिता सकता है। क्योंकि पहली बार में हार्दिक ने गुजरात को चैंपियन बना दिया था, उसके बाद टीम इंडिया के लिए लगातार बेहतर कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हार्दिक पांड्या के कंधों पर ना केवल पहले वनडे मुकाबले की जिम्मेदारी है बल्कि आने वाले फ्यूचर में टीम इंडिया को T20 चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी भी हार्दिक पांड्या के कंधों पर होगी। तो आपका हार्दिक पांड्या को लेकर इस खबर पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि नया बल्ला कुछ नया करिश्मा करेगा, कुछ नया कीर्तिमान इतिहास बनाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी।